पंजाब की रूह का मसला है, इनू हल करके देवे। लेकिन अकाली दल आए, चाहे वह सुखबीर है, चाहे मजीठिया, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, ये राजनीतिक शीशे के हर चीज को देखते हैं। इन्होंने पंथ के नाल कोई सरोकार नहीं है। कोई पार्टी आए मैं कोई चोर नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के बेनती है मेरे पंजाब के धार्मिक दंगे ना हो। मैं आप अपनी जिंदगी हथा दिया लकीर बदलदिया देखी है, मेरे हथा दिया लकीर चमकौर साहब के सिंह शहीदा ने ते मेरे सामने जेड़े गुरपीर बैठे है चमकौर साहब के लोगों ने बदली है। मैं जब पहली बारी एम एल ए का चो इलेक्शन लड़िया चमकौर साहब को आजाद लड़िया, तो मैनू चोन निशान मिल गया जहाज यार मेरा तो कोई मेरे नहीं सी, मैं साइकिल वाला मिल गया चोन निशान जहाज। मैं लोगों को हाथ जोड़ के एको गल कही थी, ये चमकौर साहब के लोगों तुसी गरीब का जहाज चढ़ा दो एक बार, ये मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ चमकौर साहब वाले कि तुसी मेरे गरीब का जहाज चढ़ाया सी, अज मुझे जहाज से घूम का भी मौका मिल जाए। तो ये तुसी हो जिन्होंने मेरे हाथों दिया लकीर बदली है, तो मैनू चमकौर साहब का ही नहीं बल्कि पंजाब की सेवा करने का मौका मिल रहा। इतने आप थीम पार्क बना रहे सिंह शहीदों की याद के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्यवादी हाँ कि उन्होंने ये बनाना शुरू किया, लेकिन उस तो बाद अकालिया की सरकार आ गई। मैं विधानसभा के कई बार अकालिया कहा, प्रकाश सिंह बादल जी को कहा कि यार थोड़ा मेरे नाल बैर हो सकता है, थोड़ा कैप्टन अमरिंदर नाल बैर हो सकता है, कांग्रेस नाल बैर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सिंह शहीदों के नाल क्या बैर, तुसी उन्हां दी यादगार क्यों रोकते हो। लेकिन एक कहण नूं पंथक लोग है, लेकिन अकाली दल आए चाहे वह सुखबीर है, चाहे मजीठिया, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, ये राजनीतिक शीशे के हर चीज को देखते हैं। इन्होंने पंथ के नाल कोई सरोकार नहीं है, ये कुछ नहीं समझते पंथ को, ये बेअदबियां भी करा देंगे है, ये अपनी राजनीति सही रखना चाहते हैं, ये राज की कुर्सी पर बैठ के वो कढ़ाने हरकत कराते हैं जेड़िया देखिया तो सुनिया नहीं जा सकदियां। इन्होंने 10 साल थीम पार्क का काम रोक के रखिया, मैं खुशी है कि हुण पूरा हो जा रहा है, तो इसे 14 तरीक को आप उद्घाटन कर रहे हैं। मैं अपना पूरा खून पसीना लगा के एक शानदार चीज पेश की है, जी 14 तरीक को ऐसी पंथ को समर्पित करांगे। सरकारियों वीरो, मैनू 15 साल इस गल सुनदे नूं हो गए जब तो मैं एमएलए बनिया, तेरी जे वेले दा फूल लगदे फिर तो कोई हला ही नहीं सकदा, ओह नहीं लग गया वेले दा फूल अज असीं जी मुद्दा रखता तां ये बड़ी भारी जरूरत सी, क्योंकि ये पहला बेले का पुल नहीं है, इहदे नाल सिंघा शहीदां दी धरती चमकौर साहब है, इहदे नाल सिंघा शहीदां दी धरती फतेहगढ़ साहब जुड़ी है, इहदे नाल गुरद्वारा दुख निवारण पटियाले का जुड़ है, एक चेन बन रही है जिहड़ी अमृतसर तक गुरु घर तक जानी है। ये गुरु घरां नूं छोटे भरावां नूं वड्डे भरावां दे नाल हरिमंदर साहब के नाल ते पटियाले दे नाल जोड़न वास्ते इहदी बड़ी जरूरत, इहदे नाल साडे हलके की तरक्की का राह खुलना है, साडे इंडस्ट्री आनी है, साडे GT रोड बनना है,
सारे पंजाब ने इस रास्ते में होकर दिल्ली जाए करना है। साढ़े आमदन के साधन बदले ऐसी दरिया तो पार के लोगों के टूटे हुए सी ऐसी वो जुड़ना है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत सी। सच कह के गए है साढ़े पीडब्ल्यूडी मंत्री साहब, मैनू इन्ना मुख्यमंत्री बन तक तुसी जो ही जीना एक पुल बना के खुशी हो गए। सच्ची मुची मेरे अखा आंसू आए, लेकिन ये खुशी दे और ये जो काम होया है इसके वास्ते जे एक बंदे नु किसे नु फेरा देना होवे तां वो सरदार मनप्रीत सिंह बादल। तीन माड़े चंगे आउंदे रहिंदे आ, आ साड़ी सरकार दे विच नहीं कुछ सी, लेकिन ये पुल के बारे इन्होंने मैं कहा कि यार तू एक गल दस जी तू कराना चाहना जिंदगी अपने हल्के वास्ते। मैं कहा जी दिल्ली का पुल बनाना चाहता, इन्होंने पैरवाई की, पैसे पास किए, मेरे वीर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने यह गल संभालिया ते अज 114 करोड़ रुपए के नाल पुल लगना है जिहदा आपां नहीं पता रखिया, ते इहदे नाल ही 33 करोड़ रुपया लग के पुल तो लैके मरंडे तक सड़क चौड़ी हो रही है जिहड़ी कि डबल हो जानी है, कितने कितने फोर लाइन भी विच बननी है, वह सारा कुछ डिजाइन के विच नहर के उपर पुल डबल करना है, ये भी ये नाल ही है 114 करोड़ रुपए के उपर है, 33 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ी होनी है, 10 करोड़ रुपए का पुल लगना है। सो एक शानदार ये रास्ता साढ़े इलाके की दिख बदल वास्ते सुंदर बनाने वास्ते ये साढ़े काम आ रहा है, इसलिए मैं मनप्रीत सिंह बादल जी का साढ़े पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि इन्होंने वही देन साढ़े इलाके दी। सो इलाके वाले हो सारे बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ी मंग अपनी पूरी हुई है, परमात्मा ने कृपा की है कि ये साड़ी मंग सी ये साड़ी पूरी होगी। इस दे नाल ही इस दे उत्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, 97 करोड़ रुपए का काम चल रहा है बिल्डिंग का, पहला लेंटर पै गया अगले पैने शुरू हुए थे। इस साल के 31 मार्च तक इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने का सुपना देख रहे हैं, तो बड़ी तेजी के नाल काम चल रहा है। यूनिवर्सिटी अज तक जलंधर है या पटियाले है या अमृतसर है चंडीगढ़ है, उस तो बाद अपने सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है 42 एकड़ के, इतने हजारा बच्चों ने पढ़ना है, इतों ही नौकरियां मिले करनी है, स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, बाहरले देशों के नाल इस यूनिवर्सिटी में अटैच होना, 2 ITI कॉलेज बन रहे अपने हल्के, सड़क कोई नहीं छड़ी कच्ची तो पक्कियां बना रहे, पक्कियां पहले ही साड़ियाँ ठीक है जड़िया तो नहीं है उन्होंने भी कर रहे। अज मैं धन्यवादी हाँ कि मैं खालसा स्कूल थर्ड के पढ़िया, एक पार्टी का लीडर कहता कहता जी ये तो डुप्लीकेट आम आदमी आ गया, मैं कहता असली आम आदमी है, मैं दस्या बैठे यार कोई होर लगता कर ये कोई करने वाली गल है। उन्होंने जो पूछे भी किस तरह गड्डे वाली चटनी बनती है या किस तरह पुदीने की चटनी गर्म रोटी बनाते स्वाद दिंदी है, कहीं देखिया इन्हां लोगों को क्या पता है कि बासी रोटी का स्वाद क्या है, ताली का क्या है। मेरी बीबी मैं स्कूल से आया पांचवीं के बीच सीगा, मैं अपने पिंड साढ़े घर के बाहर ही खूह है सामने नाल ही साढ़ा चूल्हा सीगा गली के नाल ही, चूल्हे पर तो छत नहीं होती अपने घर ना ही सी साढ़े, तो मैं जब स्कूल के बीचों आया बीबी रोटियां पका दो, मैं रोटी पहली रोटी खा ला रुकी खाण लगे, मेरे अज तक ये गल याद है, तो उन्हें बासी रोटी मैनू मक्की जी रख दी, मैं क्या मैं बासी नहीं खानी, मैं जी चूल्हे के खड़ी है रोटी वो खानी, हूँ इन्होंने लोगों को क्या पता भी कि मक्की की रोटी चूल्हे से किस तरह खड़ती है, जेडे कहते जी अभी असली आम आदमी है। मैं क्या वो खाऊंगा जी तार के चूल्हे खड़ी करी है, कहनी मैं तेन यही खिलानी,
मैं क्या नहीं मैं नहीं खाता मैं तो खाऊ। आखिर में क्या होया दीदी मैं कह दी चल ठीक है मैं तेन असली उगा दी जी ताजी पक रही है अंदर तेन आटा लिया कर दे तुम्हें पता अंदर आटे के आटा रखने वास्ते अपने एक मिट्टी के बनाए होते मैं उन्होंने तो आटा कट के दीदी को जाके दे उन्हें मैं जी चूल्हे बच्चे रोटी खड़ी थी वो दिखी मैं देखो मेरा भाई रोन लग वो रोटी मैं दिखी मैं खा ली मैं बाद मेरी माँ ने दसिया कि देखा मेरी भैन थी मैं किस तरह कह दी जद तू अंदर गया सी मैं रोटी खड़ी कर दी रोटी मैं वही खिलाई उन्हें बस ही लेकिन मैं भी खुश हो गया कि मैं असली रोटी खाई। सो ये चीजा इन्हों लोगों को क्या पता कौन होंगे आम आदमी इन्हों क्या पता कि इतना गरीबी रेट लोग कटते साढ़े पिंडा के किस तरह किसान का मुंडा सवेरे तड़के से पानी लाने जाता है किस तरह जब लैट नहीं आती किसान का मुंडा तंग हों रात को खेतों के किस तरह साडा मजदूर रोज गोहा कूड़ा करके दिन कटता है। इन्हों लोगों को क्या पता है कौन है आम आदमी पंजाब का ते किस तरह गरीबी चो निकलना है किस तरह गरीबी चो लोगों को कढ़ना है ये लोग नहीं जानते। ये सानू भरमाते सानू उकसाते सानू लड़ाते जातिवाद के नाम पर धर्म के नाम पर। मैं दिल्ली दे विच गया होम मिनिस्टर साहब को हाथ जोड़ के बेनती की मुख्यमंत्री जेड़ा मर्जी बन जाए वही पार्टी आवे मैनू कोई चो नहीं लेकिन हाथ जोड़ के बेनती है मेरे पंजाब के धार्मिक दंगे ना हो एकता रहे लोगों के बीच एक आदि के पार रखो तो सत्कारियो वीरो मेरे जिनी ताकत है मैं पिछले इलेक्शन के लोगों को कहा एक बार सिंगा हाथ पै लेट दौ फिर जो कहोगे वो करना हो गया कि नहीं चमकौर जो तुम कह रहे एक ही काम हो रहा कि नहीं हाथ खड़े करके दसो जो हो रहे सारे काम। सो मैं अब बेनती करना चाहता है सरकारियों वीरो एक बेनती करनी है कि मैं गरीब हो सकता है गरीब परिवार से हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जरा सिंगा हाथ पिया है ना इन्ना तकड़ा पा के पंजाब के मसले हल करांगा कि घर घर के लोग कहे घर घर के चली गल चली करना मसले सारे मसले हल करांगे। बे आदमी का मसला सीधे राह पै गया एस आई टी वाले ने जो करना कानून ने करना जज तो परमिशन ले ली है बाबा तक पहुंचने की हाई कोर्ट उन्होंने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए उन्होंने जेल में जाके पूछने का इजाजत देती है ना बेअदबी का मसला रहेगा मेरे गुरु का मसला है पंजाब की रूह का मसला है इनू हल करके जावांगे ना नशिया का रहेगा साढ़े नशिया वाली पहल पिछले पांच छह साल को बादलों ने भी साढ़े वाले ने भी रोई रखी साढ़े वकीलों ने अपनी सरकार के वकीलों ने दुबारे तो खुलने वास्ते बहसा कर लिया लगातार खेचा रहे हैं परमात्मा ने चाहे तो 18 तरीक फैल खुल जानी है लफाफा जोड़ा बन जाए वो तो पता लगेगा कि ना मैं सौना ना मैं उन्होंने सौन देना जिन्होंने नशा बेच के पंजाब के लोगों को गाले है जिन्होंने पंजाब की जवानी गाली है हिसाब किताब एक ही देना पैना है भजन लागे है भजन है इन्होंने लेकिन भजिए जी अभी भजन नहीं देने जिन्होंने पंजाब के लोगों को गाले।
ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਰੋਨੀਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਵਾਲੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆ ਕਿਆ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕੋ ਮੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲਿਆਓ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਤਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਤਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਟਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਲਾਏ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਟਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੀ ਜੀ ਐਤਕੀ ਦਿਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਐਤਕੀ ਕਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਐਤਕੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾ ਬੜਿਆ ਪਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖੇਲ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਤਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਦਿਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਐਲਾਨ 4 ਵਜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ